तो आज मैं करने वाली ड्राइंग्स, तो सबसे पहले मैं ये मेरे ड्राइंग का डिब्बा, सबसे पहले मैं आपको अपना ड्राइंग दिखाता हूं। तो सबसे पहले है पोस्टर कलर। तो ये पोस्टर कलर जो है ना हमारे, ये 6 शेड्स में आते हैं टोटल। सो रेड, इसमें हमारे कलर्स मिलते हैं रेड, ब्लैक, वाइट, डार्क ब्लू एंड येलो एंड डार्क ग्रीन। ये दोनों डार्क कलर है, इसका आप वाइट मिला के तो लाइट कर ही सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैमल का है, ठीक है। और ये मुझे देखो 100 रुपीज़ का पड़ा, ठीक है। सो ये है मेरे यार, क्या फिर लिखा भी है 6 शेड्स और ये पोस्टर कलर, ठीक है। सो पीछे है कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इतना है, अब इसको साइड यहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट मैंने अपना रखा है एक मतलब पीस ऑफ पेपर, एक और है पीस ऑफ पेपर। ये मैं छोटी छोटी कटआउट्स करती हूँ अगर पेपर की, तो इसी में करके रख देती हूँ ताकि दोबारा पे काम आएगा। तो ये वाइट पेपर है और ये मैं वाइट पेपर रखती हूँ जब भी मैं ड्राइंग करना होगी। ये लास्ट बचा है मेरा, इस पे आज मैं ड्राइंग करूँगी। अभी एक पेंसिल रखती हूँ मैं, जिसके पीछे मैं इरेजर भी है, तो ज़्यादा इरेजर नहीं रखना पड़ता है। और स्केल भी रखती हूँ, क्या पता कुछ ड्रॉ पेंसिल स्केचेस भी बनाती हूँ। तो और फिर यहाँ पे आते हैं मेरे ब्रशेज। तो मेरे पास यहाँ कुछ 3 ब्रशेज हैं, और ये आप सोच रहे हो इतना गंदा किया, क्योंकि मैंने जो लास्ट कलरिंग किया था वह ये ब्रश होने दी थी, इसीलिए इतना मैंने गंद रखा हुआ इसमें। और ये दोनों जो ब्रशेज हैं ना, ये मतलब पतले ब्रश हैं। और ये मेरा एक और मतलब ये कलर्स मैं रखी हुई हूँ, और ये मेरे ये तो ये पोस्टर कलर्स ही हैं, मतलब ये पोस्टर कलर ही हैं, ठीक है। एक मैं सीजर भी रखती हूँ, क्योंकि क्राफ्ट भी करना होता है, और मतलब कुछ सीजर से मतलब काट भी सकती हूँ, दैट्स व्हाई। और मैंने रखी है 3 कलर्स और स्केच पेन, ओके। सो 3 कलर्स और स्केच पेन्स। तो हमारा डब्बा खाली, तो अब हमारे डब्बे में सब सामान रख देते हैं। जैसे हमारे सामान इस डब्बे में सारा, तो देखो ये वाला निकाल लेती हूँ। और पोस्टर कलर की एक अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें पानी नहीं लगता, बस इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा पानी लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा पोस्टर कलर का ये वाला डिब्बा यूज करूँगी, मेरे ब्रशेस, बस इट। और मैं एक कटोरे में पानी ले आती हूँ, तो पानी तो ले आई मैं यहाँ पे पानी। तो चलो कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैं ये मोटा वाला ब्रश का यूज़ करता हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कलरिंग जो करती हूँ वो कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी इसको, पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी रेड कलर से। और ये पोस्टर कलर जो होते हैं बहुत थिक होते हैं, इसको मैं पानी में ऐड किया है, पानी ऐड किया है। तो मैं अपने आप के खुद बेसिकली मैं खुद से सनसेट में सबसे पहले रेड कलर ऐड करना पसंद करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज ऊपर में थोड़ा डार्कर से लाइट जाते हैं, इसीलिए। और मेरे पास इसमें ऑरेंज कलर नहीं है, तो मैं अपना एक और पैलेट ला रही हूँ जिसमें ऑरेंज कलर है। तो यहाँ आ गया, और ये डोम्स का है जो कि सबके पास होता ही है। देखो थोड़ा कम है लेकिन चलेगा, हमें थोड़ा सा ही ज़रूरत है।
ठीक है। सो अब मैं यूज़ करूँगी द कलर येलो, तो रेड कलर को हम बंद करके रख देंगे। और ये पोस्टर कलर जो होते हैं ना थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो थोड़ा सूखने में मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सूखने के बाद में बहुत मस्त हो जाता है एकदम, मतलब छूने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। और गाइस अगर आपको बैकग्राउंड से और साउंड आ रहा है तो हम सो सॉरी, पता नहीं कुछ से हुई है। तो जैसे ये हमारा बन गया, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा देर ड्राई करूँगी, इसको मिलता है ड्राई करके, तो ये सूख गया। तो अब मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर का, इसको येलो कलर को बंद कर देते हैं। और लेंगे हम ब्लैक कलर, और ये सब में लिखा हुआ है कि 10 ml में है। ठीक है। सो मैंने ना एक प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे पहले मैं पेंसिल से राउंड शेप करूँगी और फिर मतलब उसके अंदर कलर करूँगी। तो यहाँ पे रख के मैं पहले तो कलर करूँगी पेंसिल से। तो अब यूज करेंगे हम तो कलर ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये बहुत ईजी सा मतलब ड्राइंग, और देखो पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे ये ड्राइंग बहुत बेकार लग रही है, ठीक है। और आप बताओ अपने मतलब आपको कैसा लग रहा है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और मेरा ड्राइंग पसंद आया, सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो इसको मैं इसको अपने कपड़े में चुका लूँगी। सो Thanks for watching this video. Bye bye.